नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें ताबड़तोड़ 50 में। राजनीतिक दलों के नाम पर चंदा उगाही के मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। देश के कई राज्यों में 170 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी, टैक्स की चोरी का मामला। दिल्ली में भी आयकर विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के करोल बाग और बाराखंबा इलाके में रेड चल रही है। अभी लखनऊ में राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के घर आयकर विभाग की छापेमारी। गोपाल राय पर राजनीतिक पार्टी बनाकर जबरन घर कब्जा करने का भी आरोप। गुजरात में 20 से ज्यादा जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी फिलहाल चल रही है। अहमदाबाद के सिल्वर ऑक यूनिवर्सिटी और उसके मालिकों के ठिकानों पर रेड। राजस्थान में 50 से ज्यादा जगहों पर मिड डे मील के गोदामों पर भी छापेमारी। राज्य के गृह मंत्री राजेंद्र यादव के करीबियों के ठिकानों पर कार्रवाई। छापे के दौरान सीआरपीएफ के करीब 100 जवान मौजूद। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के मंत्री मलय घटक के घर पहुंची सीबीआई। कोयला तस्करी मामले में आसनसोल के घर में तलाशी अभियान। पीएम श्री योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी। अपग्रेड होंगे देश भर में 1450 से ज्यादा स्कूल। रेलवे की जमीन लीज पर भी बनी नई नीति। रूस में चल रहे पूर्वी आर्थिक मंच को पीएम मोदी ने संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों से जुड़े प्रधानमंत्री। दिल्ली में राजपथ का नाम अब होगा कर्तव्य पथ। एनडीएमसी काउंसिल की बैठक में मिली प्रस्ताव को मंजूरी। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक हुआ कर्तव्य पथ। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ करने के फैसले पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। गुलामी के प्रतीक था राजपथ, कर्तव्य बोध कराने के लिए बदला गया नाम। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्ता के उद्घाटन से पहले सामने आई तस्वीर। कल पीएम मोदी करेंगे पहले चरण का उद्घाटन। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी का हमला। रविशंकर प्रसाद ने कहा परिवार को बचाने की यात्रा पर निकले हैं राहुल गांधी ताकि पार्टी पर परिवार का नियंत्रण बना रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला। कहा जब ये सत्ता में आए दिल्ली में सरकारी स्कूल में पहले ही मुकाबले दाखिले कम हुआ। दिल्ली सरकार के खिलाफ 19 मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। आबकारी नीति के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की मांग। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार में मेक इंडिया नंबर वन अभियान की शुरुआत की। कहा कि जनता को जोड़ना हमारा मकसद। दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिल्ली नगर निगम को 2 साल से लंबित करीब 400 करोड़ रुपए जारी करने को कहा। 2024 से पहले विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश तेज। सीपीआईएमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से मिले नीतीश कुमार। राहुल गांधी और केजरीवाल समेत कई नेताओं से कर चुके हैं मुलाकात। सूखा प्रभावित किसानों को योगी सरकार ने दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में सूखे की स्थिति के सर्वेक्षण का आदेश दिया। 75 जिलों में 75 टीमें करेंगी काम। महाराष्ट्र के अमरावती में अपने समर्थकों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची सांसद नवनीत राणा। 19 साल की लड़की के लापता होने पर जताया विरोध। लड़की परिवार को लव जिहाद होने का शक। सोनाली फोगाट केस में आगे आई खाप। 11 तारीख को महापंचायत करेंगे खाप के लोग। सीबीआई की जांच की अब कर रहे हैं मांग। राज्य महिला आयोग ने बेटी को सुरक्षा देने के लिए सिफारिश भी की। आलीशान गाड़ियों की शौकीन सोनाली फोगाट के नाम पर नहीं थी एक भी गाड़ी। सोनाली के भाई ने किया बड़ा दावा। हरियाणा के सोनीपत से एक आदमी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। परिवार वालों ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया। सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। मनसा पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया। ईमेल के जरिए धमकी का लिंक जोड़ने में जुटी जांच टीम। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आतंकी गैंगस्टर कनेक्शन का पर्दाफाश किया है। बम्बीहा गैंग से जुड़े 6 गैंगस्टर को किया गया गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में मामूली बात पर जमकर चली लाठियां। हमले में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक आदमी को गांव वालों ने तालिबानी सजा दी। बच्चा चोर समझकर आदमी को पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। बिहार के समस्तीपुर में एक महिला को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पीटा। घायल महिला को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के मुंगेर में स्थानीय लोगों ने चोरी के आरोप में 3 नाबालिगों को पहले पोल पर बांधकर पीटा फिर ट्रिमर से उनका सिर मुंडाया। वीडियो वायरल होने पर फिलहाल जांच जारी। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक महिला ने सलोन में
तोड़फोड़ कर मालिक की चप्पलों से पिटाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के रीवा में 5 बदमाशों ने एक आदमी को बेरहमी से पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बिहार के सिवान में बदमाशों ने पुलिस टीम पर हमला किया, अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले में पुलिस के एक जवान की मौत। पटना में डबल मर्डर के बाद सड़क पर फूटा लोगों का गुस्सा, घटना से नाराज लोगों ने शव को सड़क पर रखकर किया हंगामा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में घरेलू झगड़े में हुई हत्या, पति ने पत्नी और बच्चों को मारा चाकू, खुद को भी चाकू मारकर किया घायल, पति पत्नी की मौत, बच्चे गंभीर रूप से घायल। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में एक नाबालिग लड़की पर तेजाब फेंकने का मामला आया सामने, आरोपी ने लड़की के गले पर भी हमला किया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के हाथरस में मोबाइल टावर पर चढ़कर एक लड़के ने किया हंगामा, पुलिस के समझाने पर नीचे उतरा, आर्थिक तंगी से परेशान था लड़का। दिल्ली से सटे गाजियाबाद से पालतू कुत्ते के काटने का एक और मामला अब सामने आया, घंटाघर कोतवाली के पास ट्यूशन से लौट रहे बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिकेय सिंह के खौफ से डरा बिल्डर राजू सिंह का परिवार, पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सुरक्षा की लगाई गुहार, राजू सिंह के अपहरण के मामले में फरार है कार्तिकेय सिंह। उत्तराखंड के टेहरी में झील में डूबी गांव की करीब 50% जमीन, गांव वाले जमीन की मांग को लेकर के कर रहे हैं आंदोलन, मांगे नहीं मानने पर जल समाधि की चेतावनी भी दी। बेंगलुरु में कई इलाकों में बारिश का पानी भर गया है, सड़कें डूब गई हैं, कोरमंगला इलाके में जल भराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ी, यातायात व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई। कर्नाटक के हुबली में लगातार मूसलाधार बारिश जारी, आसमानी आफत की वजह से ग्रामीण इलाकों में 100 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया, जलभराव से लोग परेशान। बिहार के सीतामढ़ी में बारिश और बाढ़ का कहर, दर्जनों घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों परिवार प्रभावित। बिहार के शिवहर में भारी बारिश के बाद नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मोतिहारी स्टेट हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो रही है। बिहार के कटिहार में बाढ़ और बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है, गंगा का जलस्तर बढ़ने से घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हैं, शहर के निचले इलाकों में भरा पानी, जलभराव की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। गुवाहाटी में भारी बारिश और जलभराव से लोग परेशान हो गए हैं, सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई हैं, जिनकी वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। मनाली लेह मार्ग पर तांगल गला दर्रे पर भारी बर्फबारी हुई है, बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, ले आ रहे पर्यटक मस्ती करते नजर आए। गुवाहाटी के बेलतला इलाके में एक कार के शोरूम में अचानक आग लग गई, आग में करोड़ों का वाहन जलकर राख। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किए लालबाग के राजा के दर्शन, मुंबई में गणेश चतुर्थी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के बीच लालबाग के राजा का खजाना खुला, पिछले 5 दिन में 2.5 करोड़ का चढ़ावा चढ़ा। और दक्षिण कोरिया में चक्रवाती तूफान हेनामनोर ने भारी तबाही मचाई है, कई जगह उखड़ गए पेड़, टूट गई सड़कें, लगभग 20,000 घरों की बिजली गुल।